नमस्कार किसान भाइयों, मैं आदित्य सिंह आपका एग्रीकल्चर फील्ड एक्सपर्ट चैनल में स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं तथा इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास समय से पहुँच सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन के क्या होता है। नाइट्रोबेंजीन एक बायोस्टिमुलेट है। बायोस्टिमुलेट वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पौधे के तनाव को कम करते हैं तथा पौधे की उपज को बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन के क्या क्या फ़ायदे हैं। नाइट्रोबेंजीन पौधे की पत्तियों को द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा पत्तियों द्वारा ही वह पूरे पौधे में फैल जाता है और पौधे की जड़ का विस्तार करता है। पौधे की जड़ का विस्तार होने का यह फायदा है कि वह मिट्टी द्वारा सभी तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन के क्या क्या नुकसान है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आज मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि मैं आपको बता सकूं कि नाइट्रोबेंजीन का एक इतना बड़ा नुकसान है जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। जी हाँ, नाइट्रोबेंजीन का एक बहुत बड़ा नुकसान है। नाइट्रोबेंजीन पेट के कैंसर का कारण है। जी हाँ, हमारी जो इंटरनेशनल संस्था ATSDR है, उसने यह सिद्ध कर दिया है कि नाइट्रोबेंजीन के कारण कैंसर होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देख सकते हैं, यह ATSDR ने जारी की है और इस पर साफ साफ लिखा है कि नाइट्रोबेंजीन पेट के कैंसर का कारण है। तो किसान भाइयों, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप नाइट्रोबेंजीन का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नाइट्रोबेंजीन का फसल में यूज कर रहे हैं और वह पौधा उसको अवशोषित कर रहा है और उसका फसल का यूज हम बाद में अपने खुद खाने में यूज कर रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुँचाएगा। और अगर खेत में दवाई डालते हुए ज़रा सा भी नाइट्रोबेंजीन आपके शरीर के अंदर चले गया तो आपको कैंसर हो सकता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप नाइट्रोबेंजीन का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आपको मार्केट में कहीं पर भी नाइट्रोबेंजीन मिल रहा है तो वह सिर्फ इल्लीगल है, क्योंकि भारत सरकार ने नाइट्रोबेंजीन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोई भी कंपनी नाइट्रोबेंजीन को लीगल तरीके से नहीं बना सकती, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन कैंसर का कारण है। मैंने आपको ये पहले बताया है, इसलिए ही सरकार ने इस पर बैन लगाया है। लेकिन कुछ कंपनियां अभी भी इसका उत्पादन कर रही है और आपको यह मार्केट में मिल रहा है, वह सिर्फ इलीगल तरीके से है, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन सस्ता होता है और ज़्यादातर किसानों को इसके सिर्फ फायदे को पता है, नुकसान का नहीं। इसलिए कंपनियां इसे बना रही है और हमारे कुछ किसान भाई अभी भी इसको खरीद रहे हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप नाइट्रोबेंजीन का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नाइट्रोबेंजीन का यूज़ करने से सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार वालों को भी नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि अगर आपने उसका सब्जी में यूज किया तो आपका परिवार ही उस सब्जी का सेवन करेगा, उसको खाएगा, और कहीं ना कहीं कुछ अंश आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर भी उसके चले जाएंगे, जिससे उनके कैंसर होने का कारण बन सकता है। तो आप मेरी इस बात को मानिए, आप नाइट्रोबेंजीन का उपयोग मत कीजिए। तो किसान भाइयों, आप मुझे कमेंट कर बताना कि आपको यह जानकारी कितनी अच्छी लगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि बाकी किसान भाई भी नाइट्रोबेंजीन के नुकसान को जान सके और इसका उपयोग करना बंद कर सके। तो किसान भाइयों, धन्यवाद।